सितारगंज क्षेत्र में उपखनिज के पट्टों की स्वीकृति मिलने के बाद तत्काल ही सितारगंज पुलिस ने खनन से संबंधित खनन व्यवसायियों, उपखनिज खरीदने वाले स्टोन क्रेजर स्वामी व ट्रांसपोर्ट की सितारगंज कोतवाली में एक बैठक बुलाई गई, जहां खनन संबंधी सभी लोगों से पुलिस ने मानकों को ध्यान में रखते हुए खनन कार्य करने के बारे में चर्चा की और निर्देश दिए। वहीं SSI विनोद फर्तियाल ने बताया कि उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में पहुंचे खनन व्यवसायी, ट्रांसपोर्ट और स्टोन केसर के मालिकों को बताया व निर्देशित किया गया है कि खनन किए जाने वाले वाहनों की आवाजाही के समय ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के ट्रैफिक से संबंधित समस्याएं होने पर सितारगंज पुलिस को तुरंत अवगत कराना अनिवार्य होगा। बढ़ते आपराधिक मामलों पर SSI विनोद फर्तियाल ने बताया कि बाहर से आए पट्टों पर काम करने वाले मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना पट्टा धारक की जिम्मेदारी होगी। वहीं औद्योगिक क्षेत्र के बीच से सड़क संकरी होने के कारण फैक्ट्रियों की सुबह और शाम की सिर्फ आने और जाने के समय, साथ ही स्कूल के समय व छुट्टी के समय खनन वाहनों पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी, जिससे सड़क दुर्घटना होने पर लगाम लग सकेगा। इसी के साथ संबंधित अन्य मानकों पर खनन करने के निर्देश सितारगंज पुलिस द्वारा दिए गए। कैलाश नदी में कुछ खनन के पट्टे स्वीकृत तो हुए हैं और उन पट्टों का किस प्रकार का संचालन किया जाएगा, इसको देखते हुए और आम जनता को खनन भवनों से कोई दिक्कत ना हो, इस बात को देखते हुए हमारे द्वारा आज कोतवाली परिसर में खनन व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर तथा जो क्रेशर मालों की मीटिंग ली गई है और सभी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि खनन के समय कोई भी ट्रैफिक इशू ना आए। अगर कोई ट्रैफिक इशू आता है तो उसका जो है पुलिस के साथ मिलकर जो है तत्काल उसका जो है निराकरण कराएंगे तथा उस समय काफ़ी मजदूर वर्ग बाहरी प्रदेशों से यहाँ काम करने के लिए आता है और उनके रहने खाने की और किस प्रकार के वो लोग हैं उनका जो सत्यापन होना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसलिए सभी लोगों को ये भी बताया गया कि जो भी मजदूर जिनके पास काम करने के लिए आएगा उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कि वो जो है अपने मजदूरों का सत्यापन कराएंगे और उस समय बहुत दिक्कत